नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की राजनीतिक गलियारों से जो खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही, जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बांटे गए थैलों पर भड़की सपा नेता, उठाएं योगी सरकार पर बड़े सवाल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी में गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शारदा नगर रजनीखंड राशन कोटे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री की फोटो के साथ थैला बांटा गया। कोटेदारों के यहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2022 में इस पर सपा महिला नेता सुनीता कश्यप ने अपने समर्थकों के साथ बताया कि अगर जनता इनको चुनाव जिता देगी तो झोला देश का दुष्प्रचार कर रहा है, क्योंकि झोले की जो गुणवत्ता है बहुत ही खराब है। राशन कोटे से ले जाने के लिए झोला दिया गया, और 2014 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने ही 2 किलो राशन जनता के बीच बंटवाया, राशन कार्ड छपवाया, और राशन कार्ड पर समाजवादी पार्टी का लाल और हरी पट्टी भी पड़ी हुई थी। तब भाजपा सरकार के नेताओं ने राशन कार्ड कैंसिल करवाया था, और आज अपनी फोटो योगी और मोदी की लगाकर जनता को झोला बांट रहे हैं। जनता बहुत समझदार हो गई है। योगी सरकार और मोदी सरकार ने गरीब जनता के साथ छलावा किया है, तो वहीं सपा नेता सुनीता कश्यप भड़की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पर। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर, उत्तर प्रदेश लखनऊ की। हाँ, ये देखिए ये भाजपा वाले झोला दे रहे हैं इसलिए कि अगली बार चुनाव में इनको जिताओ तो भीख मांगने का काम आएगा जनता को, इसलिए ये लोग झोला बांट रहे हैं। और जनता इतनी समझदार है कि झोला ले रही है लोगों से कि अगली बार अगर इनको चुनाव जिताओगे तो ये भाजपा वाले इसी में भीख मंगाएंगे जनता। जिसका नाम है